मैनपुरी जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए रविवार को मतदान है। इस बार चुनावी रण दिलचस्प हो गया है। करल सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। करल सीट से चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत कई दिग्गज नेताओं को अपना और परिवार का वोट ही नहीं मिल पाएगा। दरअसल 8 प्रत्याशी अपने मूल विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके चलते उन्हें अपना ही वोट नहीं मिल पाएगा। इस चुनाव में मैनपुरी सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। कई दिग्गज नेता यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि अपने दल के प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी में चुनावी जनसभा कर चुके हैं। यहाँ पर एक एक वोट के लिए आजमाइश हो रही है। वहीं अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल, जयवीर सिंह समेत कुल 8 प्रत्याशियों को उनका खुद का और परिवार का वोट नहीं मिल पाएगा। जानते हैं उन 8 प्रत्याशियों के बारे में जिनको नहीं मिलेगा अपने परिवार का वोट। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का वोट जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। वो चुनाव करहल से लड़ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश और उनका परिवार जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान करेगा। वहीं एसपी सिंह बघेल और उनका परिवार आगरा दक्षिण सीट के लिए मतदान कर चुका है। इसके अलावा सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह और उनका परिवार सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान करेगा। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, आलोक शाक्य, विनीता शाक्य समेत अन्य प्रत्याशी ऐसे हैं जो रहने वाले तो जिले के ही हैं लेकिन चुनाव दूसरी विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। राम नरेश अग्निहोत्री और आलोक शाक्य मैनपुरी सदर सीट के मतदाता हैं लेकिन चुनाव भोगांव से लड़ रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी विनीता शाक्य किशनी की मतदाता हैं, लेकिन चुनाव मैनपुरी सदर सीट से लड़ रही हैं। किशनी सीट से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रिय रंजन आशु भी मैनपुरी सदर सीट के मतदाता हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।